माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए न जाने कितनी तपस्या की थी, लेकिन आज हम जिन महिलाओं से आपको मिलवाने जा रहे हैं ये भी महिलाएं किसी माता पार्वती से कम नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्रृंगार गौरी देवी प्रकरण में सबसे पहले और सबसे सटीक अगर किसी ने अदालत का गुहार लगाई, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद अगर कोई जीत की राह दिख रही है तो वो इन महिलाओं की वजह से दिख रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अदालत का रुख किया और उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ी और आज एक ऐसी जीत उनको मिली है जिसकी शायद कल्पना किसी ने की नहीं होगी। और इस जीत पे ये महिलाएं ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरा वो समाज जो चाहता है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर वहाँ भव्य बने, वो सब के सब प्रफुल्लित हो रहे होंगे। मैम, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो आपकी जीत के लिए। थैंक यू। क्या लगा आपको जब, मतलब कैसे मन में आया कि हमको इस तरह का कुछ करना चाहिए? ऐसा है कि हम लोग देखिए चारों लोग, मंजू ब्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी जी, हम लोग मंदिर में मिलते थे, सत्संग भजन होता था। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे तो श्रृंगार गौरी माँ का दर्शन, तो चौखट की पूजा नहीं होती, मंदिर में विग्रह की पूजा होती है। हम लोग चौखट पे माथा टेक के, तो हम लोगों ने आपस में विचार किया, सोहन लाल जी से बात किए, सोहन लाल जी हम लोग को हरिशंकर जैन जी से बात करवाए, उन्होंने हम लोग के नाम से याचिका दायर किया 17 अगस्त 2021 को, और 6 महीने बाद हम लोग के पक्ष में आ गया कि आप लोग का सर्वे होगा। जिस समय सर्वे हुआ उस समय तो हम लोग का उत्साह भी कोई कम नहीं थी। एक बार हुआ, फिर दो बार हुआ, फिर हम लोग का लगातार 3 दिन हुआ। 16 तारीख को बाबा स्वयं हम लोग को दर्शन दे दिए। हम लोग गए थे शक्ति को खोजने, शिव अपने आप मिल गए हम लोग को। तो ये जो पहला ख्याल आया कि चलिए हम लोगों को बाबा ढूंढना है, क्या ये पहले सोचा था कि मिलेंगे आप लोगों को? नहीं, पहले तो हम लोग माँ श्रृंगार गौरी को ढूंढने गए और उनको ढूंढते ढूंढते बाबा मिल गए। अब बाबा मिल गए तो माँ श्रृंगार गौरी भी मिल जाएंगी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो हम लोग के पक्ष में भी आ गया फैसला, अब ये पोषणिता पे मतलब फैसला आ गया है। अब आगे जो कार्रवाई होगी वो तो माननीय न्यायालय के द्वारा सब। मैम, कभी ऐसा लगा कि जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मामले आ चुके थे कोर्ट में? जी नहीं, हम लोग को बिल्कुल नहीं लगा। हम लोग को पूरा विश्वास था और उन्होंने तलवार की नोकों से हम लोग से वो मस्जिद बनवाई थी, मगर हम लोगों ने कलम की ताकत से जीत लिया आज मंदिर को। कलम की ताकत की बात आई, कोर्ट में भी आप लोगों ने मामले को देखा, तो इन महिलाओं का जब जोश देखा तो आपको लगा कि शायद जीत होनी तय है? जी बिल्कुल, ये इतना अच्छा बोलती है और इतना अच्छा और इतना संघर्ष करती आ रही है, इनका साथ देते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और ये जो है ना, ये हम चारों की या कुछ एक छोटे समूह की नहीं है, ये पूरे हमारे एक हिंदू समाज की, और इधर ही नहीं भारत में नहीं, दुनिया में हर एक कोने पे जो हिंदू बसे हुए हैं उन सब की जंग है ये, और उन सबका अधिकार जो है उसकी जंग है ये। अधिकार की बात कर रहे हैं कि आप जिस अधिकार को मांगने का सबसे पहले ख्याल आया और आप लोगों ने सोहन लाल जी से संपर्क किया, फिर जैन साहब से संपर्क किया, मतलब कभी कोई शंका हुई कि कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही कई सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी जिसमें कहीं कोई सफलता हाथ नहीं मिली थी? ऐसा है कि उन लोग गलती की है, अगर उन लोग भी शक्ति को साथ लेकर चलते हैं उन लोग भी सफल हो जाते हैं। हम लोग पांचों शक्ति स्वयं थी, 5 शक्ति बाबा के 5 मुट्ठी हैं हम लोग। बाबा अपना मुट्ठी हम लोग का नाम लेकर बंद कर दिए, 4 लोग का, कि इसी के माथे पे हमारा मोर सजेगा, लॉक कर दिए और इस हम लोग के मार्फत ही बाबा का उद्धार होगा। इतनी जल्दी भी हो पाएगा ऐसा लग रहा था? हम लोग जानते थे कि इतनी जल्दी, मतलब जल्दी होगा, ये जल्दी होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, सारे सबूत मंदिर हम लोग के साथ प्रकट है, पूरा आप लोग देखे हैं। अच्छा हुआ कि मीडिया में कोई लिख कर दिया कि बाबा को देखिए आप लोग, बहुत खुश हैं। भले हम लोग नहीं देखे अपनी DVD हम लोग नहीं देखे, लेकिन जो किया है बहुत अच्छा किया, उसको हम लोग शाबाशी दे रहे हैं। मैम, एक बात बताइए कि जब ये जंग शुरू हुई तो मैंने तो देखा कि अक्सर आप लोग कोर्ट के दरवाजे पे होती थी, कई बार अलग अलग जगहों पे वकीलों के दरवाजे पे भी चक्कर लगाते रहे, तो कभी थकान नहीं महसूस होती थी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, थकान बिल्कुल नहीं होती थी। अगर हिम्मत है तो हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हमेशा उस पर डटे रहिए हिम्मत से, तभी आप मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इंजेक्शन लगवा के दौड़ रहे हैं, दवा भी इन लोग के सामने, मीडिया के सामने। मैंने देखा आज, मैं कितनी खराब हो गई थी कल रात ही से, खराब हो गई। मैं एक बात मुझे जानती हैं, मैं एक बात अपने दर्शकों को ही बना, मैं गवा रहा हूँ, आज की भी बात मैंने देखा, जब फैसला आया उसके बाद आप बात करते करते दवा ले रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, मेरी तबीयत एकदम, आज अगर ये नहीं रहता तो हम साथ नहीं है, लेकिन आज हमारा फैसला आने वाला था, हम क्या मरेंगे चाहे जिएंगे लेकिन जाएंगे जरूर कोर्ट में। अब मैम, कभी जब उतार चढ़ाव हर केस में होता है, आपको याद होगा जब सर्वे की बात हुई थी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया था, तो आपको लगा कि अब तो ये काम रुक गया? देखिए, वो तो अड़चने डाल रहे थे क्योंकि उनको पता चल रहा था
कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों को अपनी जितने हिमालयों की सच्चाई को छुपा के रखा था वो सामने उभर के आ जाएगी। सर्वे के दौरान पे भी उन्होंने विघन किया, उन्होंने 6 और 7 तारीख को होने दा था, 6 तारीख को सर्वे हुआ उसी तरह उन्होंने टाइम पास किया, सर्वे नहीं होने दिया। फिर 7 को हुआ, जैसे हम लोग परिषद के अंदर हम लोग ने पैर रखा, वहाँ पे हजारों की तादाद में मुस्लिम लोग 14 साल से लेकर 24 साल तक मस्जिद के अंदर छुपे बैठे हुए थे। जैसे ही परिषद में हम और रेखा जी ने पैर रखा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर कोई ईंटा फेंक देता है, वो लोग भड़बड़ा के हम लोग के ऊपर दौड़े। और उसमें भी हम लोग डरे नहीं। अगर मस्जिद में आओगे तो तुम लोग का बहुत बुरा होगा, जो करना हो कर लेना, हम लोग पीछे अब हटने वाले नहीं है। अब रण में कूद पड़ी महाकाली, जब जब पृथ्वी में पाप होता है तब महाशक्ति प्रकट होती है। महाशक्ति से हम लोग चारों रूप महाशक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं और दिखाया है हमेशा सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बीच में ही उन्होंने 7-11 का मामला उठा दिया, तो आपको लग रहा था कि ये लिंगर ऑन करने के लिए है? सब कुछ देखिए, लिंगर ऑन ही करते चले जा रहे हैं। आप चाहे देखिए, चाहे वो सर्वे टाल रहे थे, चाहे वो वफ एक्ट का हवाला देते रहे, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते रहे, वो आप अभी भी हवाला दे रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, बट जो है ना, साक्ष्य सबके सामने है, एविडेंस जो है वो सबके सामने है, बाबा विश्वनाथ सबके सामने है, तो आप कब तक खींचेंगे, कब तक छुपाएंगे, कब तक इसका खींचातानी चलेंगी? सत्य एक दिन ज़रूर बाहर आएगा, थोड़ा परेशान होगा बट ज़रूर बाहर आएगा। एक बात बताएं कि जब ये सारा प्रकरण चल रहा था तो हुआ कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा, इस बीच में फिर अदालत से आदेश भी आया, कोर्ट कमिश्नर वगैरह भी बदले गए, तो इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं में आप लोगों पे क्या बीत रही थी? नहीं, हम लोग कोई नहीं बीत, हम लोग को अपने बाबा पे पूरा विश्वास था, और कि हम लोग के मन में दृढ़ संकल्प लिए हुए थे कि हम ही जीत हम ही लोग की होगी, कितनों वकील बदल जाए, जज बदल जाए, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि जीत हम लोग की होगी। बाबा को पहली बार जब आपने देखा तो आपके मन में क्या हुआ? जैसे ही हमने बाबा को देखा तो मेरे आंखों से इतने आंसू गिरे, मैंने लगा कि साक्षात हमारे रोंटे खड़े हो गए। हम लोग लगा कई जन्मों के पाप हमारे लिए सफल हो गए, और बाबा के दर्शन पा करके बहुत मन खुश तो हुआ, और हर हर नाम महादेव का नारा तो हम लोग ने लगाया। मैं देखता था हर बार आते थे तो आप लोग कुछ ना कुछ गाते बजाते हुए झूमते हुए, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी पर्व में जा रहे हैं, कुछ उत्साह है। ये कौन सा उत्साह था? ये हम लोग के अंदर का उत्साह था कि हम लोग बाबा को देखने जा रहे हैं, तो कितना खुशी हो हम लोग को। हम लोग दुखी मन से नहीं कि उन लोग की तरह मुंह गिरा के हम लोग आए, हम लोग अपना हंसता हुआ चेहरा करते हैं। हम लोग इसी तरह घर पे भी रहते हैं, घर पे दिन भर हम लोग भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सब करते हैं कि हम लोग के बाबा मिले, माँ सिंगार को शक्ति भी मिल जाए, हम लोग के दोनों लोग साथ साथ मिल जाए, और हम लोग का दर्शन पहला अधिकार हम लोग को मिले पूजा करने का पहले अधिकार हम ही लोग चाहते हैं कि मंदिर परिषद के अंदर जो हम लोग ने याचिका डाली है श्रृंगार गौरी की और बाबा की, वो पहला हक अधिकार हम चारों बहनों को मिलना चाहिए। आप लोग आज मंदिर भी गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, हालांकि हमेशा जाते रहते होंगे, पहले जो जा रहे थे और आज जो जा रहे थे, आज कुछ खास लग रहा था आपको? आज हम लोग इसके बाबा की जीत हुई है, आज बाबा की जीत हुई, तो पहले हम लोग बाबा के मतलब मंदिर में मत्था टेके, उन्हीं को जाके फैसला सुना, नंदी कैसे उनको भी मनाएंगे, बाबा अब हम लोग का और साथ दीजिए, ये हम लोग और ऊपर तक जाएं, आपको जल्दी से मुक्त कराएं। बाबा को क्या सुनाया आपने? हम लोगों को तो बहुत सुनाते रहते हैं। गोपनीयता है बाबा को अंदर सुनाया ना, अंदर ताली बजा रहे थे, अंदर गुनगुना रहे। अच्छा, दर्शकों को भी कुछ जरूर सुना, बहुत सुनाए हैं, इतना सुनाए हैं आप लोग, गला बज गए हम लोग। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ओगड़दानी हाय हाय ओगड़दानी, बाबा दुआरे नंदी पुकारे नंदी को दर्शन दे ओगड़दानी, हाय हाय ओगड़दानी, हर महादेव, हर गौरी की जय। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आप ऐसा लग रहा है कि सब बनारस से इलाहाबाद जा रहा है, तो क्या आप लोग भी वहाँ तक जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। दिल्ली की तैयारी है, पूरी दिल्ली की तैयारी, जहाँ जाएगा वहाँ हम लोग जाएंगे। हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जहाँ जाएंगे मंदिर को आजाद करके ही रहेंगे, जब तक मंदिर बनवा नहीं लेंगे तब तक कदम पीछे नहीं बढ़ रहा। निश्चित रूप से तैयारी दिल्ली तक जाने की है और तैयारी जीत की है, इसी जीत में सारी की सारी ये महिलाएं, और निश्चित रूप से ये वुमन पावर है, ये वो पावर है जिन्होंने इस पूरे लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाने की जद में है। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, चीवी 9।